सदर बीजेपी नेत्री ने महिला थाने में महिला थाना अध्यक्ष सहित समस्त महिला पुलिस कर्मियों को भेंट किए अंगवस्त्र। आपको बता दें कि रायबरेली के सदर तहसील के अंतर्गत बने महिला थाना में महिला थाना अध्यक्ष संतोष सिंह व उनकी पूरी पुलिस टीम को बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव द्वारा आज मास्क की जगह अंगोछा वितरित किया गया। इस मौके पर कई अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें अनीता श्रीवास्तव। आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया है आपने? इस तरीके से इस कोरोना महामारी में पुलिस विभाग का जो उम्दा प्रदर्शन रहा है उसी से हम लोग प्रभावित होके, क्योंकि अपना जान जोखिम में डाल के सब पुलिस कर्मियों ने अपने देश की रक्षा, समाज की रक्षा, जिले की रक्षा के लिए आप सब लोग अपना घर परिवार छोड़कर ये केवल हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, इससे हम लोग प्रभावित होके। संतोष मैडम ये यहाँ पर महिला थाना इंचार्ज हैं, इन्होंने स्वयं अपने हाथ से पूरी बना बना के बांटा है, इससे हम लोग काफ़ी प्रभावित होते। हम लोगों को ऐसा लगता है, उस पूरे देश को, पूरे समाज को लग रहा है कि आप लोग बधाई के पात्र हैं, अपना ही जान जोखिम में डालकर हम लोगों की सुरक्षा के लिए ये लोग जगह जगह पर हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी से हम लोग प्रभावित होकर आपका सम्मान करने के लिए। लालगंज में प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए लगवाया सब्जी की दुकानें। आपको बताते चले कि लालगंज में बाईपास रोड पर प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए लगवाया सब्जी की दुकानें। इतना ही नहीं, वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सब्जी विक्रेता किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा सब्जी की दुकानें लगा रखे हैं। दरअसल जब से रायबरेली जिला में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस ज्यादा हो गए थे तब से प्रशासन सतर्क हो गया, वहीं सभी दुकानदारों से दूर दूर दुकान भी लगवाया है। 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से नहीं आया कोरोना वायरस का कोई नया केस। भारत में कुल मामलों की संख्या हुई 28,380। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश के 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना वायरस का कोई नया मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है, जबकि 16 जिले ऐसे हैं जहां पर पिछले 28 दिनों से इस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 28,380 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 886 पहुंच गया है।